राज्य सरकार ने संतों की पादुकाओं को हेलीकॉप्टर की बजाय एसटी बस से पंडरपुर भेजने का निर्णय लिया है, जिसके कारण वारकरी संप्रदाय में तीव्र स्वरूप की नाराजगी देखी जा रही है। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन पंडरपुर में भव्य यात्रा का आयोजन रहता है, जहां महाराष्ट्र भर से लाखों वारकरी संतों की पादुकाओं के साथ पंडरपुर पहुंचते हैं और विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। परंतु इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य सरकार द्वारा वारकरियों को पैदल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण वारकरी संप्रदाय में नाराजगी व्याप्त है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि संतों की पादुकाओं को हेलीकॉप्टर से पंडरपुर ले जाया जाएगा। उसके बाद शनिवार 27 जून को शासन ने निर्णय लिया है कि संतों की पादुकाओं को एसटी बस से पंडरपुर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वारकरी संप्रदाय में तीव्र स्वरूप की नाराजगी देखी जा रही है। जिस प्रकार से राज्य शिष्टाचार होता है, उसी प्रकार से वारकरी संप्रदाय का भी एक शिष्टाचार होता है। संत संप्रदाय एसटी बस में और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में, इसे लेकर आचार्य तुषार भोसले ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस साल पंडरपुर की यात्रा के दौरान वह भी सहपरिवार हेलीकॉप्टर की बजाय लाल रंग की एसटी बस से पंडरपुर पहुंचे और विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन ले। महाराष्ट्र शासनाने आधी खूप मोठमोठ्या गप्पा मारल्या की आम्ही या वर्षी संतांच्या पादुका विमानांनी पंढरपूरला नेऊ, हेलिकॉप्टरनी पंढरपूरला नेऊ आणि प्रत्यक्षात ज्यावेळेला नेण्याची वेळ आली तर आता सगळ्यांना पत्रक काढून कळवलं की आपल्याला एसटीच्या बसनी आम्ही पंढरपूरला नेणार आहोत। ठीक आहे, हरकत नाही, वारकरी आपल्या सगळ्याच निर्णयाचं स्वागत करता, वारकरी अत्यंत सोशिक आहे, पण आता मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांना आमची एकच विनंती आहे की वारकऱ्यांची शेकडो वर्षाची संतांची पायी जाण्याची परंपरा खंडित करून आपणच त्यांना वाहनाचा मार्ग सुचवलेला आहे, त्याच्यामुळे या वर्षी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला महापूजेला जाताना स्वतः हेलिकॉप्टरने जाऊ नये, कारण संप्रदायाचे थोर संत एसटी बसने आणि मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरने हा पूर्णपणे संप्रदायाचा शिष्टाचाराचा भंग होईल। जसा शासनाचा राजशिष्टाचार असतो तसा त्यांनी संतांचाही मान राखावा, संतांचा अवमान करू नये आणि मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सपत्नीक लाल डब्याच्या एसटीने पंढरपूरला जाऊन या वर्षीची महापूजा करावी।